एक ओर कोरोना व उसके प्रभाव के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मानवता को शर्मसार करने वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक एक सांस के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को जब कोई पहले दिलासा देता है और फिर धोखा, तो एक पल के लिए उनका इंसानियत और भगवान पर से विश्वास उठ सा जाता है। कोरोना काल के दौरान ऐसी कोई चीज नहीं जो नकली बेचे जाने की कोशिश ना की गई हो। जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पीपी किट ही नहीं, यहाँ तक कि अग्निशमन यंत्र, रंगकर और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम से बेचने के मामले सामने आए। कोरोना काल में एक और जहां कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान और परिवार की परवाह किए बगैर लोगों के लिए काम किया, तो वहीं कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई जिनके बारे में सुनकर आपके मन में विचार आएगा कि आखिर ये इंसान ही है ना। दिल्ली और गाजियाबाद में धोकर बेचे जा रहे सर्जिकल ग्लव्स। दिल्ली के डाबडी थाना पुलिस ने कबाड़ी मार्केट व निजी अस्पताल से इस्तेमाल सर्जिकल ग्लव्स को खरीद उसे धोकर सप्लाई करने वाले एक गैंग का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गाजियाबाद में इस्तेमाल हैंड ग्लव्स को रिसाइकल कर बेचने वाली लोनी के ट्रॉनिका सिटी स्थित फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने फैक्ट्री से संचालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से करीब 15 लाख की कीमत के 2 ट्रक हैंड ग्लव्स, 4 मशीनें बरामद हुए। आरोपी दिल्ली के अस्पतालों से इस्तेमाल हैंड ग्लव्स लाकर लोनी रिसाइकिल करते थे। पुलिस ने फैक्ट्री को सील किया। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर बेचा अग्निशमन यंत्र। दिल्ली के द्वारका में मरीज के परिजनों को एक व्यक्ति ने 30,000 रुपए लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर के बदले अग्निशमन यंत्र दे दिया। जब महिला ने इसका प्रयोग किया तो मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने द्वारका सेक्टर 23 थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सतना में इस्तेमाल पीपी किट बेच रहे। मध्य प्रदेश में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सतना में इस्तेमाल की गई पीपी किट बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़खेरा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में इस्तेमाल पीपी किट को धोकर पुनः पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि प्लांट में कुछ लोग किट को गर्म पानी में धोकर एक जगह रख रहे हैं और उसे बाजार में फिर से बेचने के लिए बंडल बना रहे हैं। 7 कंपनियों पर नकली सैनिटाइजर बनाने का आरोप। नोएडा की 7 कंपनियों पर नकली सैनिटाइजर बनाने का आरोप है। शिकायत के आधार पर औषधि विभाग ने इनकी गोपनीय जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति ने विभाग को लिखित शिकायत दी थी। इसमें आरोप था कि 7 कंपनियों में मानक के अनुरूप सैनिटाइजर नहीं बनाया जा रहा है। सस्ते केमिकल का प्रयोग कर केवल असली सैनिटाइजर का नाम दे दिया जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी बहुत कम होती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नकली रेमडेसिविर भी बेचे। कोविड-19 महामारी के दौरान कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस द्वारा बरामद किए गए 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन जांच में नकली व एक्सपायरी डेट के पाए गए। औषधि विभाग की तरफ से जांच के बाद कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस को इस मामले में रिपोर्ट दी गई। कालाबाजारी की धाराओं में पूर्व में दर्ज मामले में पुलिस ने अब अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ दी हैं। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना संक्रमण एक दूसरे से फैल रहा है। लोग इस दौरान सावधानी पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग मौत बांटने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।